श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष में इस सभागार में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित सम्मानित सबसे वरिष्ठ सदस्य जेसी पालीवाल साहब, अमन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कदीर साहब, वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य जनार्दन आचार्य जी, महेश पंडित साहब और श्रवण जी, मीडिया से हमारे कौशिक टंडन साहब और विभिन्न मंदिरों से मंदिरों के संरक्षक या पुजारी के तौर पर इस सभागार में मौजूद सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इस त्यौहार को मनाने के लिए जो शासन की गाइडलाइन है उसके विषय में पूर्व में ही विस्तृत चर्चा हो चुकी है और सम्मानित वक्ताओं ने उस गाइडलाइन का पालन करने के लिए आप सभी लोगों को भी विस्तृत रूप से बताया और आप सभी लोगों ने आश्वासन भी दिया कि जैसी गाइडलाइन है उसके अनुसार ही हम लोग भजन पूजन त्यौहार और प्रसाद वितरण करेंगे। इस बात के लिए भी मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जैसा मेरे द्वारा सुझाव दिया गया अपने संबोधन में उसको सहर्ष स्वीकार करके हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम लोग उसका जो है पालन करेंगे। अभी पिछले गुजरे श्रावण मास जो एक महीने का चला और अलकनाथ मंदिर पर जलाभिषेक होता रहा तो उसमें हमारे ये अमन कमेटी के और सिविल डिफेंस के काफ़ी साथियों ने हम लोगों के साथ लग करके पूरे टाइम हम लोगों का सहयोग करते रहे। और दूसरा त्यौहार ये आपका मुहर्रम का रहा, ये भी दो तीन दिन काफ़ी जो है ईदगाह पर भीड़ भाड़ रही, लेकिन मैंने ये देखा कि अमन कमेटी के लोग और सिविल डिफेंस के लोग हम लोगों के साथ ही ड्यूटी पर पहुंच जाते थे। ऐसा लगता था कि मेरे थाने से की ड्यूटी लगाई गई। तो मैं इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि ये आने वाला जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार है इस त्यौहार में भी आप पिछले त्योहारों की भांति ही हम लोगों का सहयोग करते रहेंगे। अंत में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने की और इसमें सहयोग करने के लिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि अपना समय निकालकर इस मीटिंग में आए और हमें समय दिया। धन्यवाद। आपने सिखाया है, आप अमन कमेटी के प्रदेश संरक्षक हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये उनका काम है, ये अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम अमन की बात करते हैं, अमन के पुजारी हैं और मैं अपने अमन कमेटी के मेंबर्स की तारीफ करूंगा कि इन्होंने जिस तरह से अभी मुहर्रम और सावन में जिस तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। मुहर्रम में छोटी सी घटना हो गई, रात भर 8 लड़के और एक लेडीज पाकिजा अमन कमेटी की रात भर पुलिस प्रशासन के साथ लगे रहे। कुछ लोग लगातार चारों सोमवार अलकनाथ मंदिर पर, सुभाष नगर में 84 घंटा मंदिर पर लगातार लगे रहे। मैं अपनी अमन कमेटी के लोगों का धन्यवाद यहाँ कहना चाहूंगा और इस लगने से पुलिस प्रशासन की भी नजर में अमन कमेटी रहती है, सिविल डिफेंस मेरा रहता है, मैं डिविजनल वार्डन हूँ सिविल डिफेंस का, पुलिस परामर्श केंद्र का भी मेंबर हूँ, जिला एकीकरण समिति का भी मेंबर हूँ, जिला समारोह समिति का भी मेंबर हूँ। तो ये सारे पद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने तभी दिए हैं जब हमने और अमन कमेटी ने काम किया। जैसा कि सावन के 34 सोमवार को प्रधान साहब का आदेश था तो मैंने देखा कि पंकज सक्सेना, रामनिवास शर्मा जी, मनोज भारती, असीम भाई अफसार, नीरज रस्तोगी, ये पूरी टीम लगातार मंदिर पर सुबह से रही। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम और आप यही रहे। आशंका अगर है तो हम और आप सबसे पहले आगे आए और ये देखेंगे कि हमारे बीच में
कहीं कोई ऐसा एक बदमाश तो नहीं है, गुंडागर्दी तो नहीं है जो अपराध के स्वरूप जो है शांति भंग करने का प्रयास करता है। इसके लिए मैंने बताया ना आपको बुजुर्ग, आपकी बात को दोहराता हुआ कि आपने कहा कि बुजुर्ग, तो मैं आपको बताऊं, लेकिन और एक अधीर साहब क्या है, अधीर साहब क्या क्या 88 में ही तो है, 8-16 साल में जो जवान काम कर रहा है वो अभी मेरे काम कर रहा है, आपके साथ तैयार है। आप याद करिए सर, मैं आऊंगा जब शब्दों के साथ एक बार सबका दरअसल में मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जहां पर ही कभी कोतवाल साहब यहां पर जितने चौकी इंचार्जेस है उनको बुला के हमारे बदलू से कम पर्चे करा देते हैं। नतीजा क्या निकलता है इसका कि जब कभी कोई अपनी बात कहने जाता है तो उसको ध्यान से सुनते हैं। मैं आज सबको एक्साइज के उपस्थित हूँ, क्योंकि क्षेत्र के इंचार्ज और इस क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और सम्मान साथियों और नागरिकों, हमारे बीच जब भी कभी सद्भाव की बात आए, बरेली के एवं चैन की बात आए और शांति की बात आए और त्योहारों में खुशियां कायम रहने की बात आए, इन सबको लेकर जागरूक रहने का और सबको जागरूक करने का जो काम कानून के माध्यम से या जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं उनके माध्यम से किया जाता है, ये कोई भी बहुत सराहनीय परंपरा है। हमारे बीच आदरणीय जयसी पालीवाल साहब जो एकता अखंडता और भाईचारे की मिसाल है, पर्व कोई भी हो त्योहार कोई भी हो सब में सद्भाव रहना चाहिए, मर्यादाओं के अंदर होना चाहिए और खुशी से मुझे इसके लिए बरसों बरस से काम कर रहे हैं आदरणीय जयसी जो जन्माष्टमी के प्रोग्राम को संपन्न हुआ। ये किसी को नहीं पता कि अगले वर्ष भी कोरोना महामारी हमारे लोगों के बीच फिर आएगी और इस समय देखिए केरल में और महाराष्ट्र में बहुत तेजी है, तो हम लोगों को अपने और कोई शेष है नहीं, बस केवल हमें ये देखना है कि जैसा निर्देश कोतवाल साहब को मिलेगा उसका पालन कराना है और करना है, सबसे अच्छी बात यही है। और जो किसान एडजस्ट है उनको हम देखते हुए काम करेंगे, उसका भी अच्छा रहेगा। मेरी गुजारिश है सिर्फ आपसे, ये गुजारिश है, उसके बाद में आप उस चीजों का प्रयोग करें और हम अगर उस व्यवस्था के तहत आपसे मना कर रहे हैं तो हमारी गुजारिश ये है कि आप ये समझिए कि हम आपके लिए आपका सहयोग चाहते हैं और जो त्योहार मना रहे हैं वो अच्छे से त्योहार मनाया जाएगा।